प्रदेश के 6 रोडवेज बस अड्डे होंगे हाईटेक। झुंझुनू समेत 6 बस अड्डे होंगे हाईटेक। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर भी शामिल। बस अड्डों में बनाए जाएंगे उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय। यात्री सुविधाओं और अन्य विकास पर खर्च होंगे 35 करोड़। राजस्थान में 6 बस अड्डों के लिए हमने रोडवेज को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, जिसमें से 5 तो हैं वो जो डिविजनल मुख्यालय हैं और एक उनमें झुंझुनू का भी बस स्टैंड है। इसमें नई सुविधाएं विकसित करेंगे, चाहे वो टॉयलेट की हो, चाहे वो यात्रियों की अन्य सुविधाओं की हो, चाहे वो बस अड्डे के अंदर के रखरखाव की हो, चाहे इसकी सड़कों की स्थिति सुधारने की हो, चाहे भवन का और विस्तार करने की बात हो। इसके लिए जो DPR हमको यहाँ से रोडवेज ने बढ़ा के दी थी उसको मंजूर करते हुए इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करती है। जल्द ही झुंझुनू का बस स्टैंड नए रूप में जनता के उपयोग के लिए तैयार होगा। नमस्कार दोस्तों, खबर लोक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजस्थान रोडवेज बस अड्डे अब हाईटेक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार होंगे। इसको लेकर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में प्रदेश के 6 डिपो को हाईटेक रूप से विकसित किया जाएगा। इसको लेकर करीब 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शुरुआती चरण में 5 डिवीजन के बस अड्डों के साथ झुंझुनू बस अड्डा भी हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा के साथ झुंझुनू बस अड्डे को हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। इन बस अड्डों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रतीक्षालय के साथ प्लेटफॉर्म, बस शेल्टर, डिपो के नए भवन, सड़क तथा महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षालय के साथ साथ अत्याधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। गत दिनों रोडवेज प्रशासन की ओर से इन अड्डों में DPR बनाने को लेकर टीमों में विजिट कर सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए DPR तैयार की है। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 6 बस अड्डों को हाईटेक रूप से विकसित किया जाएगा। इन अड्डों में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, साथ ही यात्रियों के लिए उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। इन अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने को लेकर 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। टेंडर होने के बाद इन डिपो में काम शुरू हो जाएगा। बस अड्डों के हाईटेक होने से यात्रियों का रुझान रोडवेज बसों की ओर बढ़ेगा, साथ ही रोडवेज की आमदनी में भी इजाफा होगा।